महाराष्ट्र निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने अपनी 1 मई को हुई रैली में मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने के लिए 3 मई का अल्टीमेटम दोहराते हुए कहा था कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो 4 तारीख को एमएनएस कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने जगह जगह दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसके साथ ही अपनी कल की सभा में राज ठाकरे ने सड़कों पर नमाज पढ़ने का भी मुद्दा उठाते हुए कहा था, इन्हें सड़कों पर नमाज पढ़ने का अधिकार किसने दिया? हमें सभा करनी होती है तो कहा जाता है यहाँ साइलेंट जोन है, यहाँ स्कूल है, सारी पाबंदियाँ हम पर ही क्यों, इन पर पाबंदियां क्यों नहीं? राज ने लाउडस्पीकर के बाद इस मुद्दे पर भी एक्शन लेने की बात कही थी, लेकिन 3 तारीख को रमजान ईद का त्योहार है। राज्य में हमेशा की तरह ईद की नमाज सड़कों पर पढ़ी जाएगी, पुलिस यातायात व्यवस्था को देख रेख में लगेगी और नमाज का ध्यान रखते हुए ट्रैफिक में फेर बदल के कामों में लगेगी। महाराष्ट्र के अहमदनगर समेत राज्य के अन्य इलाकों में पुलिस ईद की नमाज को ध्यान में रखते हुए यातायात व्यवस्था में फेर बदल की योजना को अमल में लाने के लिए जुट गई है। अहमदनगर में कोटला के ईदगाह मैदान और उसके पास के अहमदनगर औरंगाबाद हाईवे के पास सड़कों और गलियों में सामूहिक नमाज पढ़ने की जोरदार तैयारी शुरू है। पुलिस संभावित ट्रैफिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक डाइवर्ट करने में जुटी हुई है। ईद के मौके पर सुबह सामूहिक नमाज पढ़ी जाएगी, इसके लिए मुस्लिम भाई कोटला के मैदान में इकट्ठा होंगे। उन्हें मुबारकबाद देने के लिए और भाईचारा का पैगाम लेकर दूसरी मजहबों से जुड़े लोग भी आ पहुंचेंगे। मैदान में जगह कम पड़ेगी, इसलिए हर साल की तरह इस साल भी मैदान के पास से गुजरने वाले हाईवे रोड को भी नमाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।